पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 14। अंजू, बीना एंड छाया, ये इस बुक की एडिशन में क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है, आप फाइंड आउट कर लेना। अंजू, बीना एंड छाया, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,25,000। सो ऊपर आप हेडिंग दोगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स। अंजू, बीना एंड छाया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इज एज अंडर। अब अंजू, बीना एंड छाया, मैंने शॉर्ट में ए बी एंड सी लिखा है। ए फॉर अंजू, बी फॉर बीना एंड सी फॉर छाया। नाउ सबसे पहले हम करेंगे बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। हम देखेंगे लाइबिलिटीज कितनी हैं। अब लाइबिलिटीज में पेमेंट कैसे होता है, कैपिटल को तो बाद में करेंगे, पहले आउटसाइडर्स को करेंगे। एंड आउटसाइडर्स को पेमेंट करने से पहले सिक्योर्ड लोन अगर कोई है तो उनका पहले पेमेंट होगा। सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं, कि इन्होंने बैंक से लोन लिया होगा और सामने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी होगी, तो बैंक को प्रॉपर्टी बेचने ही नहीं देगी जब तक बैंक को पैसा नहीं मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। फिर नीचे दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4,000 एंड एक्चुअल 5,000। अब इसका मतलब क्या होता है, कि इन्होंने अंदाजा लगाया था कि ये जो भी 2, 3 या 4 महीने प्रोसेस चलेगा रियलाइजेशन का, उसमें इनका एस्टिमेटेड 4,000 रुपीज एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पैसे लेने के लिए डेटर्स के पास जाना पड़ता है, बाकी सारे काम करने पड़ते हैं। सो एस्टिमेटेड 4,000 था बट एक्चुअल में 5,000 हो गया। ओके अब यहां पर हम देखेंगे कि लाइबिलिटी साइड एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व फंड। रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व पार्टनर्स के सेविंग्स होते हैं, वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर प्लस करेंगे रिजर्व फंड, रिजर्व फंड 12,000 है, 12,000 को 3, 2 and 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2,000, 4,000 एंड 6,000। वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अंजू, बीना एंड छाया, तो आप कैसे करते हो, आपको 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, तो आप लिखोगे 3/6, 12,000 इंटू 2/6 एंड 12,000 इंटू 1/6। मैं सी से पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने एक ही बार इस 6 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 2,000। सो 12,000 डिवाइड बाय 6 आंसर हुआ 2,000। अब यहाँ पर 2,000 इंटू 2 तो आंसर हो गया 4,000 एंड 2,000 इंटू 3 तो आंसर हो गया 6,000। अगर आप 3/6, 2/6, 1/6 करोगे तो आपको बार बार उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, रिजर्व्स प्लस हो जाते हैं। अब इस समय एक और न्यू पॉइंट है कि असेट साइड ड्राइंग्स दिए हुए। अब पार्टनर के ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस हो जाने चाहिए, डिडक्ट हो जाने चाहिए। हो सकता है डिडक्ट करना रह गया होगा, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर पार्टनर के ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माइनस करेंगे। अब ये सम मैक्सिमम लॉस मेथड से हो या सरप्लस कैपिटल मेथड से हो, ये पूरा सब सेम ही रहेगा, ड्राइंग्स भी सेम माइनस होंगे। 10,000, 10,000 एंड 5,000, ये इस क्वेश्चन को इन्होंने मैक्सिमम लॉस मेथड से पूछा हुआ है। लेकिन अगर ये ही सरप्लस कैपिटल मेथड से पूछा हो तो भी आपको ये सब तो इक्वल ही करना है, रिजर्व्स प्लस करने हैं, ड्राइंग्स माइनस करने हैं। सो नाउ 49 + 6 = 55, 55 - 10 = 45,000, 21 + 4 = 25, 25 - 10 = 15,000, 10 + 2 = 12, 12 - 5 = 7,000, 18,000, 10,000,
एंड 5000, ये सेम रहेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं सम को। सो सबसे पहले कैश बैलेंस, कैश और बैंक कुछ भी दिया हो उसका बैलेंस लिखेंगे। कैश और बैंक बैलेंस, टेन थाउजेंड प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 20,000। सो 10 प्लस 20 30,000। अब 30,000 में से इन्होंने अंदाजा लगाया था कि जो भी कस्टमर से कलेक्शन होगा उसके लिए 4,000 इन्हें एक्सपेंस की जरूरत पड़ेगी, एस्टिमेटेड था। सो रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस 4,000। देखो एक छोटा अमाउंट बिजनेस में रखना पड़ता है, 3-4 महीने लिक्विडेशन प्रोसीजर चलेगा। अब 4 महीने में लाइट का बिल भी आएगा, समझो कोई कस्टमर आ गया उसके लिए टी कॉफी के लिए भी एक्सपेंस करना होगा। सो कैश होगा ही नहीं तो कौन करेगा। सो ये क्या करेंगे, 4,000 रुपीज इन एक्सपेंडिचर्स के लिए अलग से रख देंगे, रिजर्व रख देंगे। सो बाकी बचा 26,000। अब हमारे पास अवेलेबल अमाउंट 26,000 है और सिक्योर्ड लोन को 18,000 पेमेंट करना है, तो पहले सिक्योर्ड लोन को पेमेंट कर देते हैं पूरा का पूरा ताकि वो ज़ीरो हो जाए और उनके पास हमारा जो भी मॉर्गेज रखा हुआ है वो फ्री हो जाए। सो सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड लोन को, तो यहाँ पर पेमेंट करेंगे माइनस पेड टू सिक्योर्ड लोन 18,000। सो 26 माइनस 18 8,000, 18,000 का पेमेंट हो गया, बाकी को कुछ भी नहीं अभी। सो 18,000 हो गए जीरो, बिल्स पेबल अभी भी 10,000 है, क्रेडिटर्स 5,000, 45,000, 15,000 and 7,000। सो अब इनके पास 8,000 रुपीज़ पड़े हैं और सिक्योर्ड लोन पूरे हो गए। नाउ इस 8,000 में से हम पेमेंट करेंगे बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स को। सो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स को टोटल देखो कितना पे करना है, 10 प्लस 5 15, हमारे पास तो है नहीं 15, तो कितना पे करेंगे। सो दोनों को रेशियो में पे कर देंगे। सो दोनों का रेशियो कितना है, सो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को देना है हमें 10,000 और क्रेडिटर्स को देना है 5,000। सो 10:5 दैट मीन्स 2:1, 2:1 में पेमेंट कर देंगे। सो अभी हमारे पास 8,000 है, यहां पर लिखेंगे माइनस पेड टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स इन 2:1, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स 2:1, 2:1 में पेमेंट करेंगे। सो 8,000 का पेमेंट है। सो 8,000 को इनटू करो तो बिल्स पेबल को कितना पेमेंट मिलेगा, सो 8,000 इंटू 2/3 एंड क्रेडिटर्स को 8,000 इंटू 1/3। हाँ हो सकता है ये आंसर्स आपके पॉइंट में आए, 5,333 रुपीज़ बिल्स पेबल को पे करेंगे एंड 2,667 रुपीज़ क्रेडिटर्स को पे करेंगे। इन दोनों का टोटल 8,000 होना चाहिए। आपका क्रेडिटर्स में 2,666.66 आ रहा है, सो वो जो 0.66 है उसे 1 रुपीज़ पूरा कर देंगे एंड 2,667 रुपीज़ का
पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पर लिखा है हमने पेड टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स इन 2:1, 5,333 का पेमेंट दिया बिल्स पेबल को, 2,667 का पेमेंट दिया क्रेडिटर्स को। सो ये जो इनका जो इंस्टॉलमेंट है ये हो गया ज़ीरो। नाउ 10,000 में से 5,333 माइनस करेंगे 4,667, 2,333, 45,000, 15,000 एंड 7,000। ये इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया। नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखेंगे, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनका कितना है? सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 4,000 का, तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट फोर थाउजेंड माइनस पेड टू बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स 4,000 और वंस अगेन 2:1 में करेंगे। सो 4,000 का 2:1 करो तो क्रेडिटर्स का आ रहा होगा 1,333, बिल्स पेएबल में आ रहा होगा 2,667 और कैपिटल में तो अभी तक कुछ भी पेमेंट हुआ नहीं है। अब 4,000 का सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया जीरो, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट बचा है वो है 1,000, बिल्स पेएबल 2,000, 45,000, 15,000 एंड 7,000। ये हो गया इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरा। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट, सो थर्ड इंस्टॉलमेंट देखेंगे इनका कितना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 27,000। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट 27,000 है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में से पहले क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट कर सकते हैं। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट 27,000 माइनस पेड टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट करना है बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स को? 2,000 प्लस 1,000 3,000, तो टोटल 3,000 पेमेंट कर लेते हैं ताकि ये जीरो हो जाए। सो 3,000 का पेमेंट कर दिया, ये 2,000, 1,000 कैपिटल में अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। सो ये बचा 24,000, 0, 0, 45,000, 15,000 एंड 7,000। सो यहां तक हमारा सिक्योर्ड लोन एंड आउटसाइडर्स बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स पूरे हो गए। जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये मुझे नंबर्स फिर से ऊपर लेने पड़ेंगे। सो यहां तक पहले एक बार नोट डाउन कर लो तो हम आगे सम कंटिन्यू करते हैं।
चलो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये 45, 15 एंड 7 को ऊपर लिख रहा हूँ और ये जो बैलेंस है 24,000 वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आपकी नोटबुक में ये कंटिन्यू हो जाएगा। So, यहां पर मैंने लिखा 24,000, ये तीनों तो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे 45,000, 15,000 एंड 7,000। ओके सो नाउ सम कंटिन्यू करेंगे, आपकी नोटबुक में ये कंटिन्यू रहेगा सम। नाउ ये इनके पास 24,000 का बैलेंस पड़ा है। अब क्या करेंगे, अब इस बैलेंस के सामने हम लिखेंगे कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड कितना कैपिटल इनको चाहिए, सो इन तीनों का टोटल करो कैपिटल रिक्वायर्ड में 45,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 सो 67,000 माइनस करेंगे 67,000। सो 24,000 में से 67,000 माइनस कर लो तो आंसर आ रहा है 43,000। अब इस 43,000 को हम मैक्सिमम लॉस कहेंगे क्योंकि यहां पर क्या होगा कि ये लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद हो सकता है कोई इंस्टॉलमेंट आए भी या नहीं भी आए। सो 43,000 ये इनका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ऐसा कंसीडर करके इसे मैक्सिमम लॉस कह देंगे। ये है मैक्सिमम लॉस। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है ना ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 43,000। अब ये लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इनके पीएनएल रेशियो में, पीएनएल रेशियो है इनका 3:1। सो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 43,000 को। सो 43,000 डिवाइड बाय 6 करूंगा मैं पहले, हो सकता है कि ये जो नंबर्स आएंगे आपके पॉइंट में आए, सो पॉइंट में आए तो नियर बाय में रखने होंगे। सो फर्स्ट हम छाया के लिए 1/6 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 7166.66, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7167 इंटू 2 करेंगे तो यहां पर आ रहा है 14,333 और 21,500, ये है इनका लॉस। ये हमें माइनस करना पड़ेगा, इनके हिस्से में ये लॉस आया है। सो 45,000 में से 21,500 माइनस करेंगे 23,500, 15,000 में से 14,333 माइनस करेंगे 667
और 7000 में से माइनस करेंगे, सो माइनस 167। अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट पेड होना चाहिए था, बट अगर किसी का नेगेटिव नहीं आए तो, अब नेगेटिव नहीं आता तो इसे ही हम अमाउंट पेड कंसीडर कर लेते, बट यहाँ प्रॉब्लम हो गया कि ये नेगेटिव आ रहा है। अब अगर एक पार्टनर का नेगेटिव हो तो वो बाकी के पार्टनर्स को बियर करना होता है। सो जो छाया का 167 नेगेटिव है उसे 167 प्लस करके ज़ीरो करेंगे, और जो छाया का लॉस होगा वो ए और बी, अंजू एंड बीना, अपने अपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, देखो ए बी एंड सी, तो सी का तो लॉस आ गया, सी को निकाल दो, 3-2-1, तो इनका बचा 3-2। सो अब इस 167 को अंजू बियर करेगी 3:2 मीन्स 3/5 में, और बीना शेयर करेगी 167 इंटू 2/5। सो 167 इंटू 3/5 करेंगे 100, एंड 167 इंटू 2/5 करेंगे, बाकी 67 बचेगा, ठीक है। सो 67 का लॉस इसको दिया गया बीना को, 100 का लॉस बियर कर लिया अंजू ने, तो इनका अमाउंट बचा 623,400। ये अब हो गया इनका अमाउंट पेड, और देखो इतना ही इंस्टॉलमेंट इनके पास पड़ा होगा। आप इन दोनों का टोटल करके देखो, 23,400 प्लस 600, ये हो गया 24,000, और पैसा कितना पड़ा है, 24,000 ही पड़ा है, तो इसे हम कहेंगे अमाउंट पेड। जो हमने सम यहां तक किया 24,000 तक, वो चाहे सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, दोनों में सेम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो नाउ 23,400 एंड 600 अमाउंट पेड हो गया। मैं फिर से बता दूं ये स्टेप हमने क्यों किया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दो इलस्ट्रेशन दिए थे होमवर्क में, अगर आपने वो इलस्ट्रेशन किए हैं तो आप डिफरेंस समझ जाओगे कि नेगेटिव आएगा तो करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ये अमाउंट पेड हो जाएगा। अब इस बैलेंस में से, इस बैलेंस में से ये माइनस करेंगे अमाउंट पेड, 7000 में से जीरो पेमेंट हुआ, सो 7000 बचा, 15000 में से 600 पेमेंट हुआ तो 14400 बचा, एंड 45000 में से 23400 का पेमेंट हो गया तो 21600 बचा। अब यहां तक क्या हुआ हमारा, कितने इंस्टॉलमेंट्स पूरे हो गए, सो यहाँ तक हमारे थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है, 26,000। ओके, नाउ यहाँ पर एक पॉइंट खास ध्यान रखो, पहला हमने एक एक्सपेंस के लिए 4,000 रुपीज़ रिजर्व रखे थे, ऊपर देखो अपने सम में, जब सम स्टार्ट किया था तो 4,000 रुपीज़ रिजर्व रखा था। ये 4,000 रिजर्व रखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, कभी कोई कस्टमर आ जाए तो टी कॉफ़ी के लिए, हम व्हीकल लेकर कस्टमर के पास पैसे लेने जाए तो पेट्रोल भरवाने के लिए, ये मिसेलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पैसा अलग रखा जाता है। सो उस 4,000 में से हम एक्चुअल एक्सपेंस देखेंगे कितने हुए, सपोज करो 4 में से एक्चुअल एक्सपेंस हुए 3,000, तो 1,000 बचेगा, वो हम यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्लस करके पार्टनर्स को दे देंगे। लेकिन यहाँ पर इस सम में एस्टिमेट था 4,000 और एक्चुअल एक्सपेंस, बुक में देखो जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, हमारा एस्टिमेट था 4,000 लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 5,000, तो वो 1,000 किसी न किसी पार्टनर ने किया होगा, उसको देना पड़ेगा,
तो यहां पर लिखेंगे माइनस एक्सपेंसेस 1000, हाँ अगर यहां पर सपोज करो ऐसा है कि हमने एस्टीमेट 4000 किया था, यानी पहले वाले इंस्टॉलमेंट में से देखो 4000 हमने अलग करके रखे थे जब आपका सॉल्यूशन किया गया था, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4000 रुपीस अलग करके रखे थे। अब सपोज करते हैं ऐसा दिया है कि एक्चुअल एक्सपेंस 2000 रुपीस हुआ, तो 4 अलग करके रखे थे, 2 हुआ, बाकी 2 बचे, वो 2 यहाँ प्लस कर देंगे। इट मीन्स एस्टिमेटेड से एक्चुअल कम हुए तो बचे होंगे पैसे, वो यहाँ प्लस करेंगे, अगर एक्चुअल ज़्यादा हो गया तो वो यहाँ माइनस कर देंगे। ओके, नाउ कैपिटल रिक्वायर्ड, तो देखो कैपिटल रिक्वायर्ड का टोटल कितना है, कैपिटल रिक्वायर्ड। सो 25 में से 43 माइनस करेंगे, और ये 18,000 क्या है, मैक्सिमम लॉस। तो ये मैक्सिमम लॉस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब मैक्सिमम लॉस 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, सो 18,000 को 6 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3,000, 6,000 एंड 9,000, सो 7,000 माइनस 3,000 4,000, 14,400 माइनस 6,000 84 एंड 21,000 माइनस 21,600 माइनस 9,000 12,600। क्या कहेंगे इसको, अमाउंट पेड, यस अमाउंट पेड। और जब आप इन तीनों का टोटल करके देखोगे तो वो इनके पास जो अवेलेबल बैलेंस है उसके जितना हो जाएगा, अमाउंट पेड कहेंगे हम इसे। टोटल इन तीनों का अमाउंट पेड, और वो जो अमाउंट पेड है वो 25,000 होगा। अब इनका बैलेंस था ये और अमाउंट पेड हुआ ये, तो माइनस करेंगे 7,000 माइनस 4,000 3,000 6,000 एंड 9,000। अब इसके बाद इनका कोई अमाउंट बचा नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट आने वाला नहीं है, सो फाइनली इनको जो पेमेंट करना था उसमें से लास्ट में ये इनका बैलेंस बच गया, तो ये क्या हो जाएगा इनका, रियलाइजेशन लॉस। जो भी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के सम होते हैं 99% सम्स में रियलाइजेशन लॉस आता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब वो लॉस करते हैं तभी तो अपना बिजनेस बंद करते हैं ना, प्रॉफिट करने वाले बिजनेस को कौन बंद करेगा, सो यहाँ पर है कि लॉस हुआ है इन्हें। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।